Okay, third application is dimensional formulas helps to convert a given quantity from one system of units to another system of units. आप लिखें, मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा गया है इसमें. देखो थर्ड एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, कि डायमेंशनल फॉर्मूलाज हेल्प्स टू कन्वर्ट अ गिवन क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट. फॉर एग्जांपल, एक कंट्री है, एक कंट्री के लोग ये मानते हैं कि उनका जो डिस्टेंस है, या वो लोग जो डिस्टेंस को मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं इन मीटर्स, और वो मास को मेजर करते हैं किसमें, केजी, और टाइम को मेजर करते हैं इन सेकेंड. तो वो बोलते हैं कि हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट है ये, हम अपने डिस्टेंसेस को मीटर में ही मेजर करते हैं, केजी में मास मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, तो हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम है एमकेएस सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म एमकेएस. एम का मतलब मीटर, के का मतलब केजी, एस का मतलब सेकंड. अब एक और कंट्री है, दूसरा कंट्री है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सिस्टम ऐसा है कि डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किसमें, सेंटीमीटर में, और मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकेंड्स में. तो सेंटीमीटर, ग्राम्स, सेकेंड, सी जी एस सिस्टम ऑफ यूनिट. एक और कंट्री आता है, वो कहता है यार हमारे यहाँ तो सिस्टम है ही नहीं ऐसा, हमारे यहाँ तो जितने भी लोग हैं या साइंटिस्ट हैं वो लेंथ को मेजर करते हैं फीट में, और मास को मेजर करते हैं पाउंड्स में, और फिर उसके बाद टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में. एक और कंट्री है, वो कहते हैं हमारे यहाँ तो डिस्टेंस मेजर करते हैं किलोमीटर्स में. अब मैंने कहा ये लेंथ क्या करते हो, कहते किलोमीटर में बताएंगे, 0.0001 किलोमीटर, मर्जी है उनकी, वो मीटर में नहीं करते, किलोमीटर में करते हैं. ऐसे ही टाइम, मैंने कितनी देर का, अभी कितनी देर बोला, 10 सेकंड नहीं, कहते हमारे यहाँ घंटों, आर्स में करते हैं. सेकंड नाम की चीज़ है ही नहीं हमारे यहाँ चलती, मुझे पता नहीं सेकेंड क्या होता है, वो कहता है हमारे यहाँ तो आर्स ही होते हैं. और ऐसे एक और कंट्री आया, वो कहता है जी हमारे यहाँ तो लाइट ईयर में सब कुछ मेजर किए जाते हैं. अब ये सारे साइंटिस्ट इकट्ठे हो गए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं जी हमारे यहाँ एक डिस्टेंस मेजर करना था, कोई फीट में बोल रहा है, कोई मीटर में बोल रहा है, कोई किलोमीटर बोले जा रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा. अब सारे साइंटिस्ट नए हैं, मान लो कोई नया यूनिट ले आता है अपने घर से बना के कि हमारे यहाँ तो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, कोई कुछ भी डिस्टेंस का नाम कुछ और ही रख देता है. अब उसकी मर्जी है वो कैसे मेजर करता है. अब दूसरे साइंटिस्ट को उसको समझाना पड़ेगा कि भाई देख किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, हम एक काम करते हैं कन्वर्ट करेंगे, जब तू बोलेगा किलोमीटर मैं बोलूंगा मीटर, मैं समझ जाऊंगा 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. तो कन्वर्जन करके एक दूसरे की हम लैंग्वेज को समझ सकते हैं, ठीक है, ऐसा हम करते भी आए हैं हमेशा. तो ये फैसला हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे जो भी काम होगा वो किस में मेजर, क्योंकि देखो इतने कंट्रीज हैं, अपने अपने सिस्टम यूनिट्स हैं, तो एक को फाइनलाइज करना पड़ेगा. तो ये फैसला हुआ कि हम एम के एस को फाइनल करेंगे, कि जब भी हम इंटरनेशनल लेवल पे काम करेंगे या जो भी इंटरनेशनल लेवल की बुक्स होंगी उसमें सारा कुछ जो पूरा सिस्टम ऑफ यूनिट जो न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे वो एमकेएस में किए जाएंगे, यानी कि मीटर, केजी और सेकंड. तो इस सिस्टम को सिलेक्ट किया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसका नाम क्या दिया गया, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट. एसआई में एस का मतलब सिस्टम, आई का मतलब इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट को बोला जाता है एसआई सिस्टम. तो ऐसा कुछ फैसला हुआ. अब फैसला तो कर बैठे, ऐसा समझ में आ गया, पर वो कंट्री तो अभी भी अपने काम करे जा रहे हैं, कोई सीजीएस में करे जा रहा है, कोई एमकेएस में करे जा रहा है, कोई किसी में करे जा रहा है, उनको तो रोक नहीं सकते, लेकिन उनकी लैंग्वेज को समझ तो सकते हैं. तो एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में, या एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर मुझे कन्वर्जन करनी है, तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में जो डायमेंशन फॉर्मूलाज हैं वो हमारी हेल्प करेंगे. जैसे एग्जाम्पल, आपको एक क्वेश्चन दिया गया कि मान लो सपोज 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं, ये क्वेश्चन आ गया, 1 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं. तो मुझे पता लगा कि ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स की, राइट, फोर्स की बात हो रही है. तो मैंने
इसमें अपना पुराना मेथड लगाया, मेथड वन, जो ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है जो हम 9-10 से करते आए हैं, वो क्या कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है, फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इस फॉर्मूले में मास को अगर हम क्या पुट करते हैं, 1 kg, एक्सेलरेशन को पुट करते हैं 1 m/s का स्क्वायर, तो मेरे पास ये जो वैल्यू आएगी फोर्स की वो आएगी 1 kg m/s का स्क्वायर, और इसके कॉम्बिनेशन को ही क्या नाम दिया जाता है, 1 N, तो 1 N इसके इक्वल होता है, सबको मालूम है 1 N किसे बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं, तो 1 N की वैल्यू इसके इक्वल है, पर मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, डाइन्स, डाइन्स किसका सिस्टम ऑफ यूनिट है, CGS, तो kg को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम्स में, मीटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, और सेकंड तो चलो जो है सेकंड है ही है, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की पावर 5 ग्राम्स सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर, और पता लगा ये CGS सिस्टम है, इस टर्म को ही क्या बोलते हैं, डाइन्स। तो क्वेश्चन आंसर आ गया, 1 N में 10 की पावर 5 डाइन्स है। पहला पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, ये ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत नॉर्मल मेथड है जो हम हमेशा करते आए हैं, रादर हम तो याद ही कर लेते हैं, 1 N में 10 की पावर 5 डाइन्स है, काम ही चल जाता है। पर कैसे बनाया, समझ में आया, ये पुराना मेथड है, मुझे क्या देखो इसमें मैंने यूनिट्स यूज किए, मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला MLT कहीं यूज नहीं किया, जबकि हम किसकी एप्लीकेशन कर रहे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूलाज की, MLT वाला, तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज भी सेम काम कर सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूलाज MLT को यूज करके मैं 1 N में कितने डाइन्स निकाल सकता हूं। तो मेथड नंबर 1 पुराना मेथड है, इससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे यहाँ पे प्लस 1 में, क्योंकि जब स्कूल में पेपर आएगा उसमें मेंशन किया जाएगा, NCERT मेंशन किया जाता है क्वेश्चन में, बाय यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस MLT, ये क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो मेथड 1 वहां काम नहीं करेगा। तो मैं आपको अब नया मेथड सिखाता हूं कि कैसे 1 N से हम डाइन्स निकाल सकते हैं, लेकिन यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अब मेथड 1 लिखें, मैं मेथड 2 लिखवाता हूं, आप नोट कर लें, वैसे एक बार मैं मेथड 2 को लिखवाता हूं जो हम फॉलो करेंगे। तो अब जो हम मेथड फॉलो करेंगे वो ये नहीं फॉलो करेंगे, हम मेथड 2 फॉलो करेंगे। आप मुझे बताना आपको कौन सा मेथड बेटर लगा, ठीक, पहले करते हैं फिर बेटर, वैसे पूछ लूँगा, करना मेथड 2 ही है लेकिन आपको, ठीक है। तो इसमें मेथड 2 ये लो, मेथड 2 वो क्या, डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड है। क्वेश्चन वही है, 1 N में कितने डाइन्स हैं, क्वेश्चन वही है। ये क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है, जैसे 1 J में कितने अर्ग्स हैं, जूल एनर्जी का यूनिट है, अर्ग्स भी एनर्जी का यूनिट है, जूल SI में बोलते हैं, अर्ग्स
सीजीएस में बोलते हैं, ऐसा आ सकता है। या फिर मान लो कोई भी और, जैसे कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को की वैल्यू है 6×10^11 एसआई में, उसकी सीजीएस की वैल्यू निकालो, कुछ भी क्वांटिटी देगा, प्रेशर पूछ लेगा एसआई में प्रेशर की वैल्यू देगा, सीजीएस में पूछ लेगा क्या वैल्यू है, कुछ भी क्वांटिटी देगा। मैंने अपना एग्जाम्पल फोर्स का जरूर लिया है, लेकिन पता नहीं वो क्या देगा। हाँ, एक चीज जरूर है, आपको यहां पर जैसे आपको एसआई सिस्टम दिया और आपको क्वेश्चन किसमें पूछ रहे, सीजीएस में पूछ रहे, एक नंबर आपको जरूर देगा, जैसे 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं। तो यहां पर ये जो नंबर है, ये नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया, n1, ये नंबर 1 है, और आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, सीजीएस में नंबर निकालना है। तो लेट अस सपोज इस नंबर को किससे लिखा, n2, तो n1 गिवन है, n2 निकालना है। ये स्टेप क्लियर है? तो ये इक्वेशन में ये नंबर n1 है, ये इसका यूनिट है, ये n2 है, ये इसका यूनिट है, पर हम अपना क्वेश्चन यूनिट से कर नहीं रहे, क्योंकि मेथड 1 में हमने अपना क्वेश्चन यूनिट से किया, तो वो तो सही मेथड नहीं है, हमने डायमेंशन से करना है। तो एक काम करते हैं, यहां पे 1 की जगह मैं लिखता हूं क्या, n1 इंटू, यहां पर यूनिट नहीं लिखना चाहता मैं, क्या लिखना चाहता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला, इक्वल टू फिर यहां पर क्या आएगा, नंबर n2 इंटू, डाइंस नहीं लिखना चाहता, यहां पर क्या लिखना चाहता हूं, डायमेंशनल फॉर्मूला। मैं अपना काम यूनिट्स में नहीं करना चाहता, मैं अपना काम डायमेंशनल फॉर्मूला में करना चाहता हूं। तो मैंने बना ली इक्वेशन सेम, जैसे नंबर n1 यूनिट, नंबर n2 यूनिट, तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, नंबर n1 डायमेंशन फॉर्मूला, नंबर n2 डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब डायमेंशन फॉर्मूला कोई भी मन में याद करो, हमने कितने फॉर्मूलाज किए हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूलाज MLT की फॉर्म में होते हैं, MLT। तो यहां पर जिस भी क्वांटिटी की बात होगी, जैसे ये तो क्वेश्चन फोर्स का क्वेश्चन है, कल को एनर्जी हो सकता है, कल को प्रेशर हो सकता है, कल को वेलोसिटी हो सकता है, कुछ भी, कोई भी फॉर्मूला बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा, ML और T की फॉर्म में बनेगा, MLT की फॉर्म। और MLT की कोई पावर्स भी होंगी, जैसे M की कोई पावर होगी, L की पावर होगी, T की पावर होगी, तो मान लिया कि इसकी पावर है A, इसकी पावर है B, इसकी पावर है C, वो क्या क्वांटिटी होगी। जैसे फोर्स है, मान लो ये फोर्स है, तो फोर्स में मुझे क्या लिखना चाहिए, MLT-2, पर मैं ABC इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे क्या पता मेरे को क्वेश्चन में क्या क्वांटिटी देगा। मैंने एग्जांपल फोर्स का जरूर लिया, पर एक्चुअल में क्वांटिटी कैन वेरी, तो ABC की पावर मुझे क्या करनी पड़ेगी, चेंज। तो मैंने इन जनरल लिख दिया कि जो भी क्वांटिटी मेरे को दी जाएगी उसकी MLT की कोई ना कोई क्या होगी, पावर होगी ABC। सिमिलरली यहां पर भी कोई ना कोई क्वांटिटी है, जैसे फोर्स है, तो यहां पर भी एग्जैक्टली सेम होगा, MLT की क्या होगी, पावर होगी। लेकिन पॉइंट टू भी नोटेड, पावर यहां पर भी सेम होगी, वो क्यों, क्योंकि ये भी फोर्स है और ये भी फोर्स है। क्योंकि जैसे अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, LT-1, ऐसे ही LT-1, यानी कि m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1, यही है ना। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला वेलोसिटी का SI में है कि CGS में है, आपको ये क्या है, वो तो सेम ही होता है, डायमेंशन फॉर्मूला इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, यूनिट्स कौन सा है, CGS है, SI है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी का फॉर्मूला LT-1 ही रहेगा, चाहे आप SI में लो चाहे आप CGS में लो। तो इसीलिए चाहे SI है चाहे CGS है, पावर अगर इसमें MLT की ABC है, तो यहां पर भी पावर क्या रहेगी, ABC, क्योंकि ये भी फोर्स की बात कर रहा है और ये भी फोर्स की बात कर रहा है। पॉइंट समझ में आया यहां तक? तो ABC की पावर दोनों में चेंज नहीं होगी, क्या ये पॉइंट क्लियर है? और वैसे भी आपने सीख तो रखा है कि अगर ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो पावर दोनों में लेफ्ट और राइट पे क्या रहती है, सेम। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो पावर चेंज नहीं होगी क्योंकि चाहे SI है चाहे CGS है, बात तो फोर्स की हो रही है या जो भी क्वांटिटी की बात हो रही है वो क्वांटिटी तो एक ही है, तो चाहे ये लो चाहे ये लो। अब कहोगे ये क्या बात बनी, इधर भी सेम इधर तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं, ये SI है ये CGS है, हम इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए काम करेंगे, इसके पैर में 1 1 1 लगाएंगे, M1 L1 T1, जो ये शो करता है ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI, और इसके यहां पे क्या लगाएंगे, 2 2 2 2 2 2 सिस्टम ऑफ यूनिट कौन सा है,
सी, अब देखो डिफरेंशिएट हो रहा है ना, अब पता लग रहा है कि ये एसआई में लिखा, ये सीजीएस में लिखा, पर लेकिन पावर्स दोनों में क्या रखी, एग्जैक्टली सेम। अब मुझे मेरे क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, एन वन, मुझे क्या निकालना होगा, एन टू। तो एक काम करते हैं, एन टू निकालना है ना, तो इस टर्म को इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो एन टू की वैल्यू आएगी एन वन एम वन एल वन टी वन रेज टू पावर ए बी सी डिवाइडेड बाय एम टू एल टू टी टू रेज टू पावर ए बी एंड सी। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा एम वन बाय एम टू रेज टू पावर ए, एल वन बाय एल टू रेज टू पावर बी, और टी वन बाय टी टू रेज टू पावर सी। आप एक मिनट ये फॉर्मूला नोट करें, आगे इसको कैसे यूज करना है और इसका मतलब क्या है मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। आप यहां तक एक मिनट नोट करें पहले। ये फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया, लेकिन आपसे कोई पूछेगा नहीं फॉर्मूला कहां से बना, आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए एन टू निकालने का क्या फॉर्मूला है, और इसको यूज करना आना चाहिए। वो आपकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बनाना सिखाया है, अदरवाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इसको बनाने की। आप यहां तक नोट करें, मैं इसको यूज करना सिखाता हूं कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया, एक फॉर्मूला आ गया। अब यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे को क्वेश्चन में आया कि 1 न्यूटन में कितने डाइंस हैं, क्वेश्चन वही है। अब मैं सॉल्व करता हूं मेथड टू से। सबसे पहले ये बताओ कि ये नंबर क्या है n1 और ये नंबर क्या है n2, ये मुझे निकालना है। लेफ्ट साइड पर कौन सा सिस्टम है SI और राइट साइड पे कौन सा है सीजीएस। तो आपने हर क्वेश्चन में ये लिख लिया एसआई सीजीएस। आपने हर क्वेश्चन में लिखना है m1 l1 t1 n1 m2 l2 t2 n2। m1 की वैल्यू, फंडामेंटल जो वैल्यू होती है एसआई सिस्टम में मास को किस में मेजर किया जाता है, 1 kg में। स्टैंडर्ड मास का यूनिट SI में क्या होता है 1 kg, और CGS में क्या होता है 1 ग्राम। लेंथ 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड 1 सेकेंड। N1 की वैल्यू मुझे गिवन है और मुझे क्या निकालना है N2। ये हर क्वेश्चन में यहीं से स्टार्टिंग होगी। लिख लिया ये सारा, फिर आपने ये डिस्कस करना है कि ये क्वांटिटी है किसकी, जिसकी बात हो रही है, ये कौन सी क्वांटिटी है, फोर्स। फोर्स की बात हो रही है, फोर्स का जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो क्या होता है, MLT -2 होता है, राइट। M की पावर इस क्वेश्चन में क्या कही जाती है, A। L की पावर क्या होती है, B। T की पावर क्या होती है, C। तो आपने डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेना है, M की पावर को A बोलना है, L की पावर को B बोलना है, और T की पावर को C बोलना है। क्या पॉइंट क्लियर है, ABC लिख लिया। फिर आपने अपना फॉर्मूला लिखना है,
एन टू निकालना है, एन टू का फॉर्मूला क्या था, एन वन एम वन बाई एम टू रेज टू पावर ए, एल वन बाई एल टू रेज टू पावर बी एंड टी वन बाई टी टू रेज टू पावर सी। तो वैल्यूज पुट करते हैं, चलो एन वन, एन वन बोलो कितना है वन, एम वन कितना है वन के जी, एम टू कितना है वन ग्राम, ए की वैल्यू कितनी है वन, वन मीटर वन सेंटीमीटर, बी की वैल्यू कितनी है वन, वन सेकेंड, सी की वैल्यू कितनी है माइनस टू। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद क्या करना है, आप यहां तक लिखें, मैं इसके बाद बताता हूं, यहां तक नोट करें। तो देखो इसमें अब क्या करेंगे, इसके अंदर अब n2 एक नंबर है, राइट। एक काम करेंगे, 1 केजी में कितने ग्राम्स हैं, 1000 ग्राम बाय ग्राम रेज टू पावर 1, 100 सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर रेज टू पावर 1, 1 सेकेंड रेज टू पावर माइनस 2। ठीक है, कैंसिल करें, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसल, तो क्या बचा, n2 विल बी इक्वल टू 1 इंटू 1000 इंटू 100 इंटू 1 की पावर माइनस 2, तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया, 10 की पावर कितना 5, यही तुम्हारा आंसर था, 10 की पावर 5। तो क्या सही मेथड है? नहीं सही नहीं है। मेथड 1 ठीक है कि मेथड 2 ठीक है? मेथड 1 ठीक लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में मेथड टूल ठीक लगेगा, दिखाता हूं कैसे। आप नोट करें, मैं आपको 3 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करके दिखाता हूं इसके मेथड 2 से, चौथे क्वेश्चन में खुद बोलेंगे मेथड 2 ठीक है, इसमें गलती होने का चांस कम है। तो यहाँ तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं, आप जरा इस शीट को देखना, ये शीट है राइट, ये शीट में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी भी इस टाइप की शीट्स आएंगी, नेक्स्ट टाइम आपको एक बुकलेट मिलने वाली है,
वो जो बुकलेट बाहर निकली हुई है प्रिंटआउट, उसमें सारी शीट्स लगी हुई इंसर्टेड हैं, तो इसके प्रिंटआउट आपके पास सारे हैं। तो ऐसे ही अब क्योंकि वैरायटी शो करनी है अब आपको हर क्वेश्चन की, तो उसमें आप नोट्स इतना लिख नहीं पाएंगे, तो बुकलेट में सब इंसर्ट, तो ये शीट उसमें मिलेगी आपको, लिखने की जरूरत नहीं। आप सब मेथड देखें, क्या ये फॉर्मूला हमने किया, ये क्वेश्चन हमने किया न्यूटन और डाइन वाला, अब ये सारा मैंने लिख भी दिया, इसमें आपको लिखने की जरूरत भी नहीं थी। तो वही सेम M1 L1 T1 N1 करके आंसर 10^5 आया। क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, क्या किया, 1 जूल में कितने अर्ग्स हैं, पहला पॉइंट, ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है, जूल वर्क डन या एनर्जी, कोई भी, तो वर्क डन या एनर्जी जूल में होता है, तो वर्क डन या एनर्जी के का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा बताओ, वर्क डन या एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, तो M की पावर क्या होती है A, L की पावर क्या होती है B, T की पावर C, लिख लिया ABC। ये क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI, ये क्या है CGS, ये नंबर क्या है N1, N2 निकालना है, तो लेफ्ट में लिखा SI, M1, L1, T1, N1, M2, L2, T2, N2, सेम टू सेम लिखा जो पिछले क्वेश्चन में लिखा, 1 kg, 1 gram, मीटर, सेंटीमीटर, सेकंड, N1, N2 निकालना है। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ABC में चेंज है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, सेम फॉर्मूला, वैल्यूज पुट करें, N1 की जगह 1, M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह 1 gram, 1 meter, सेंटीमीटर, सेकंड, कोई चेंज नहीं इसमें। कहाँ चेंज है, पावर में चेंज है। अब पावर ABC की कितनी है, 1, 2 और -2, जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ABC अलग था, इस क्वेश्चन में ABC अलग है, बाकी एवरीथिंग इज सेम। तो kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, ग्राम ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड कैंसिल, तो 1000, 100 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 100 × 100, और 1^-2 तो 1 ही होता है, तो आंसर क्या आ गया, 10^7। मजे की बात क्या है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या चीज चेंज हो रही है, ABC, बस ABC चेंज करते जाओ आपका नंबर चेंज होता जाएगा। तो पॉइंट सबको समझ में आया कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, समझ में आ रहा है यहां तक, जैसे ये क्लियर है, जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, ये जो क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्टींथ क्वेश्चन, जो अभी हमने सब्जेक्टिव शीट नंबर 3 का आप नहीं कर पाए थे, क्या क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज गिवन, तो ये क्या गिवन है, कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू 6.67 × 10^-11 है, और पीछे यूनिट्स चेक करना, न्यूटन, मीटर, kg, तो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI, मुझे कैपिटल जी की वैल्यू निकालनी है, किस में, CGS में, तो रूल नंबर 1, SI से किस में निकालना है, CGS, किसकी बात हो रही है, कैपिटल जी, तो सबसे पहले कैपिटल जी का लिखो डायमेंशनल फॉर्मूला, लिख लिया, तो इस डायमेंशनल फॉर्मूला में M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C, ABC आ गया। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड SI, राइट हैंड साइड CGS, सेम है रिजल्ट, kg मीटर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, बस फर्क ये है कि इस बार N1 गिवन है आपको, 6.67 × 10^-11, इस बार 1 नहीं है, इस बार N1 कितना है, ये पूरा N1 है, और मुझे क्या निकालना है, N2, तो फॉर्मूला लिखें N1 N2 का, N2 और N1 का फॉर्मूला क्लियर है। अब एक काम करो, सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पुट करो और N2 निकालो क्या आ रहा है, N2 निकालो क्या आ रहा है,
ये देखो आपने ट्राई किया, आपने इसमें n1 को क्या पुट किया, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 मास, वो तो सब स्टेट स्टैंडर्ड है। ए बी सी की वैल्यू को पुट किया, के जी को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर में, तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर क्या आया, ये तो एज इट इज 1000 रेज टू पावर -1 का मतलब क्या होता है, 1/1000। 100 कितने टाइम्स है, 100 का क्यूब है, 100 × 100 × 100, और ये तो 1 है। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.67 × 10⁻⁸। ये आंसर है, क्लियर है यहाँ तक? तो बढ़िया मेथड है, कुछ करना क्या है, बस ये बताना है कि किस क्वांटिटी की बात हो रही है, ए बी सी की वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर अपने आप पता जाएगा। ठीक है यहाँ तक? ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसी अब इसके अंदर हम जो ये शीट कर रहे थे, क्वेश्चन अब चेंज हो गया। क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन के अंदर सपोज उसने ये बोला, फाइंड क्या वैल्यू ऑफ 100 जूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ 100 जूल। जूल का मतलब कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है, SI। ऑन अ सिस्टम, एक नए सिस्टम में वैल्यू बतानी है 100 जूल की क्या होगी, और वो लोग जो ये सिस्टम बना रहे हैं नया सिस्टम, वो लोग क्या मेजर करते हैं, वो मेजर करते हैं डिस्टेंस को 20 सेंटीमीटर में। वो कहते हैं हमारा डिस्टेंस स्टार्ट ही 20 से होता है, 1 सेंटीमीटर क्यों लें, 20 से होता है। और ऐसी मास किस में लेते हैं, हमारा मास स्टार्ट ही 250 ग्राम, 1 ग्राम लेते ही नहीं, 250 ग्राम लेते हैं। और ऐसे टाइम क्या लेते हैं, मिनट लेते हैं। कह रहे अब निकालो 100 जूल की वैल्यू क्या होगी। अब सीजे सिस्टम तो रहा नहीं, अब तो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट की बात हो रही है, तो इसमें 100 जूल की बात हो रही है। जूल किसके यूनिट है, वर्क डन या एनर्जी के यूनिट है। तो सबसे पहले लिखें डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला में m की पावर a है, l की पावर b है और t की पावर c है। abc आ गया, क्लियर है यहां तक, abc लिख लिया। ठीक ठीक है, तो n इसमें n1 क्या लेंगे, 100, और क्या निकालना है, n2। तो ये फॉर्मूला लिख लिया, इस फॉर्मूला में ये SI सिस्टम है, 100 जूल SI सिस्टम है, तो इसमें मास क्या लिया, 1 kg मीटर सेकंड, और नंबर क्या लिया, 100 जूल का 100। क्या ये पॉइंट क्लियर है, 100। हमने क्या निकालना है, नए सिस्टम ऑफ यूनिट में n2 निकालना है, पर जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है वो CGS थोड़ी ना है, उसमें मास कितना लेना है, 1 ग्राम नहीं लेना, उसने क्या बोला, 250 ग्राम लेना है, तो हमने 250 ले लिया। उसने कहा जो लेंथ लेनी है वो 20 सेंटीमीटर, हमने 1 सेंटीमीटर, अगर बोलता सिर्फ CGS तो मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता। उसने बोला 20 सेंटीमीटर, मैंने 20 ले लिया। टाइम बोला उसने हाफ मिनट, अब हाफ मिनट को सेकंड में जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेकंड है तो ये भी सेकंड में चलेगा, तो सेकंड में कितना आएगा, 30 सेकंड। तो ये पॉइंट क्लियर है, तो जो उसने हमें वैल्यूज दी हमने लिख ली यहाँ पे, और फॉर्मूला हमें पता है n2 का, फॉर्मूला हमें पता है, ये रहा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में n1 की जगह क्या पुट किया, 100, m1 की जगह 1 kg, m2 की जगह 250 ग्राम। यहां पर l1 और l2, t1 और t2, तो ये सब गिवन है ना, m1 m2 l1 l2 t1 t2 सब पुट कर दिया। abc की वैल्यू भी पुट कर दी, kg में कितने ग्राम है, 1000 ग्राम है, 100 सेंटीमीटर है, और चलो सेकंड है, ग्राम ग्राम, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकंड सेकंड कैंसिल। तो ये कहां पे, 1 2 -2, 1 2 -2, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 1000 by 2 250, 100 by 20 का स्क्वायर कर लोगे, ये तो 1/3 raised to power -2, तो 3 की पावर कितनी है, -2। जब रेसिप्रोकल करेंगे या 30 की पावर क्या है, -2, जब प्लस करेंगे तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा 30 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से n2 कैन बी कैलकुलेट। जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट आएगा उसमें जूल तो बोलते नहीं, पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो पीछे क्या लगा देना है, यूनिट लिख दो, बस बात खत्म, पता नहीं क्या यूनिट है। आपको मेथड समझ में आया, ये जरूरी नहीं है कि SI से हमेशा CGS देगा, वो एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट भी दे सकता है, और नए सिस्टम ऑफ यूनिट में वो नई वैल्यू दे सकता है। क्या ये पॉइंट क्लियर है,
जैसे फिर देखो एक बार, ये क्लियर है यहां तक? जैसे सपोज व्हेन 1 meter kg 1 minute आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट्स, तो 1 kg 1 meter 1 minute फंडामेंटल यूनिट्स हैं। कह रहे फोर्स की वैल्यू कितनी आती है 36 यूनिट्स। अब ये SI नहीं रहा, क्योंकि SI में क्या होता है kg मीटर और सेकंड, ये एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जहां पर फोर्स कितनी है 36, तो N1 की जगह 36। अब वो क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू इन CGS, तो आपको वो फोर्स 36 यूनिट को कन्वर्ट करवाना चाहता है किसमें, CGS में, तो नया सिस्टम ऑफ यूनिट क्या कहलाएगा, CGS। CGS में M1 क्या, M क्या होता है 1 gram, लेंथ क्या होता है 1 centimeter, टाइम क्या होता है 1 second, तो CGS जब बोल दिया तो 111 की वैल्यू के साथ आएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? और हमें क्या निकालना है, नया नंबर N2। समझ में आ रहा है कैसे लिखा, किसकी बात हो रही है, फोर्स की। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -c, c आ गया ABC। N2 का फॉर्मूला यूज कर लिया, N1 पुट किया 36, M1, M2, L1, L2, T1, T2 एज इट इज, ABC की वैल्यूज फोर्स की हमने निकाल ली, kg को ग्राम में, मीटर को सेंटीमीटर को, और 1 minute 60 ताकि सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाए, तो यहां से कैंसिल 36 × 1000 × 100 × 60⁻²⁻² को सॉल्व करेंगे 1/60 का स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करना, सॉल्व करके आंसर आएगा, और आंसर क्योंकि CGS में है और CGS में फोर्स को क्या बोलते हैं, टाइम्स, तो आंसर टाइम्स में आएगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस। तो मैंने एक एक टाइप का क्वेश्चन अपने बुकलेट में लिया हुआ है ताकि वैरायटी मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको समझ में आए। तो समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है इसे? आपको कोई यूनिट याद नहीं तो आप लिख देना CGS सिस्टम, CGS यूनिट्स बस। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे इस फॉर्मूले को लगाना है, कोई डाउट इसमें? वो न्यूटन कैसे हो सकता है, न्यूटन तब होता जब ये स्टैंडर्ड सेकंड होता, वो 60 सेकंड है, टाइम का स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल टाइम है वो 1 second होता है SI में, तो SI कैसे हुआ 60 सेकंड है वो, तो ये लोग तो कहते हैं 60 सेकंड मिनिमम टाइम है हमारा, हाँ तो फिर ठीक था, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ 60 जूल पर मिनट, जूल की बात हो रही है तो SI की बात ही हो रही होगी, 60 जूल पर मिनट को कन्वर्ट करना है एक ऐसे सिस्टम में दैट हैज 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर एंड 1 मिनट एज अ बेस यूनिट। तो ये CGS सिस्टम तो है नहीं, एक नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये किस क्वांटिटी की बात हो रही है पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। हमें कितना गिवन है 60 जूल पर मिनट, मिनट को अगर 60 में कन्वर्ट करें तो कितना आ जाएगा 1 joule per second, और जूल पर सेकेंड क्या होती है पावर, वर्क डन बाय टाइम इज पावर, तो ये 1 watt यानी कि 1 joule per second पावर की बात हो रही है। तो सबसे पहले अगर ये पावर की बात हो रही है तो पावर का डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आप लिखेंगे, m की पावर a होगी, l की पावर b होगी, t की पावर c होगी, ABC आ गया। अब शुरू करेंगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर ये CGS नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्योंकि ये 1 gram नहीं ना, तो पता नहीं क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो जो हमें सिस्टम ऑफ यूनिट गिवन है जूल, जो हमें गिवन है ये जूल और सेकंड, ये तो SI है, ये तो पता है SI है। तो SI के अंदर 1 kg 1 meter 1 second, ओके, किस सिस्टम में जाना है, 100 gram 100 centimeter 1 minute, तो 100 gram 100 centimeter 1 minute का मतलब 60 सेकंड, इसमें जाना है हमने। और क्या गिवन है, N1, N1 क्या कितना गिवन है 1, 1, कैसे मैंने सॉल्व करके कितना निकाल लिया पावर 1 watt, तो बात पावर की हो रही है तो 1 watt, तो यहां पर 1 पुट कर लिया, और मुझे पावर निकालनी है नए सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो मुझे क्या निकालना है N2, क्लियर है? तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, सारी वैल्यूज आ तो गई, फॉर्मूला यूज करो, N1 की जगह 1, वही सेम कन्वर्जन, तो ये टाइम 60 सेकंड है, T2, T1 1 second है, तो यहाँ से सॉल्व करो, ग्राम्स सेंटीमीटर सब कैंसिल करके आपका आंसर आएगा, जो भी आएगा जैसे आंसर। आपको मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्जन करनी है, कोई डाउट इसमें? ये आपकी एप्लीकेशन नंबर कौन सी है, 3, ठीक हो गया, 3 एप्लीकेशन हैं। और एक क्वेश्चन और आ सकता है, क्या
लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं डायमेंशन फॉर्मूलाज की, हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी की थी। पहली लिमिटेशन है ये मेथड आपको डायमेंशनल कांस्टेंट की वैल्यू दे नहीं पाता, डिस्कस किया था हमने, कांस्टेंट की वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। दूसरा क्या है इसमें, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड